हाँ सो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? आज जो है आज प्रभास का बर्थडे है, तो उनके बर्थडे के शॉप शो मतलब अवसर पे आज कुछ की तरफ से एक पोस्टर लॉन्च किया गया। तो कैसा है ये पोस्टर, मैं अपनी राय जो है वो तो रख ही सकता हूँ इस पोस्टर के बारे में, क्योंकि चैनल ही मेरा है। हाँ जी, तो पोस्टर में हमें प्रभास जो है वही राम सेतु के साइड खड़े दिखते हैं, और पीछे उनकी वानर सेना जो कि कार्टून की बनी हुई है, तो उनकी वानर सेना के साथ साथ प्रभास जी जो है सामने खड़े हैं प्रभु श्री राम के अवतार में। उनके एक हाथ में बाण है और दूसरे हाथ में जो समझ जाओ। हाँ तो कैसा है ये पोस्टर, पोस्टर मेड बाय VFX। पहले तो सिर्फ इनके कार्टून कैरेक्टर्स ही जो थे वो ख़राब लग रहे थे, लेकिन अब तो पोस्टर में जो प्रभास का कैरेक्टर है उसके मुंह पे भी उन्होंने VFX को पोत दिया है लाइक बॉडी लोशन। तो भाई बात साफ सी है, हम सोच रहे थे कि इनके पास 3 महीने ही अपने VFX पे काम करके थोड़ा उसको रियलिस्टिक बनाएंगे, लेकिन ये तो अपने रियल कैरेक्टर को ही कार्टून बनाने पे तुल रखे हैं। इससे पहले जो हमने आदिपुरुष के पोस्टर्स देखे थे उसमें प्रभास ठीक लग रहा था, पर आज जो पोस्टर आया है उसमें अगर आप उसके फेस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो साफ आपको पता चल जाएगा वहाँ VFX का यूज़ हुआ है। उनको थोड़ा श्रद्धावान दिखाने के चक्कर में इन्होंने जो इनका रियल कैरेक्टर था उसकी भी पूरी फाट लगा दी, लिटरली पूरी वाट लगा दी फेस पे उनके जो है, एकदम कार्टूनिश सा लुक आ रहा है। और मुझे तो वो जो तिलक है वो भी VFX ही लग रहा है भाई लुक, क्योंकि जो ट्रेलर था उसमें हमें वैसा कोई तिलक देखने को नहीं मिला था उनके सर पे उस वाले शॉट में। और ये जो शॉट है जो पोस्टर अभी बाहर आया है वही शॉट आप उसके टीजर में भी देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही अलग है। जहाँ टीजर में हमें वो शॉट देखा था जहाँ पे राम जी उनकी सेना जो है वो राम सेतु के ऊपर से जारी होती है, वहाँ उनकी फेशियल एक्सप्रेशन को मैच कीजिएगा। और यहाँ जो पोस्टर ये लॉन्च किया है इन्होंने, वहाँ अगर आप उनका फेस देखेंगे तो आपको ज़मीन और पाताल तक के डिफरेंस का पता चल जाएगा। पहले तो ये सिर्फ ज़मीन पे थे, अब तो इन्होंने उसको पाताल में पहुँचा दिया है, और अब उसको देखने के चक्कर में हमें भी पाताल तक जाना पड़ेगा। समझ रहे हो, इंटेलिजेंट हो तुम तो। इस भाई ले दे के बाद ऐसी है कि बकलोली चल रही है यार, डिट्टू डिट्टू बकलोली। सिर्फ पहले ही हमें पिक्चर के नाम पे कार्टून दे रहे थे, अब पोस्टर के नाम पे भी हमें सस्ता कार्टून ही दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ये नहीं सुधरने वाले और ना हम इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। पोस्टर जो है वो बिल्कुल ही रद्दी आया है, मुंह पे VFX करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर पोस्टर नहीं था तो कोई बात नहीं, बर्थडे पे हम ऐसे भी काम चला लेते, लेकिन उनके बर्थडे पे उन्हें गिफ्ट मिला है और झटका हमें मिला है। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब जो फ्राइडे आ रहा है वहाँ पे हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, तो उसके पे ऊपर भी वीडियोज़ आती रहेंगी। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अगर वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट करके बता पाएंगे, और इस पोस्टर को लेकर आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लीजिए जय माता दी।